आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सही से करने के लिए जिला प्रशासन हमीरपुर ने पूरी तरह से कमर कसने के साथ ही समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर चलने वाली खबरों पर भी पूरी नजर रखी जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कदम ने पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए कमेटी गठित की है, जो कि सभी मामलों पर 24 घंटे नजर रखेगी। साथ ही टोल फ्री नंबर 1800180019 पर शिकायत से लेकर सुझावों के लिए भी कोई भी किसी भी समय फोन कर सकता है। पेड न्यूज के लिए भी हमने मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो बन चुकी है और वो एक्टिवेट हो चुकी है। वो 24 घंटे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन सब पे पूरे तरीके से नजर रखी रहेगी, और ऐसा कोई भी मामला अगर समक्ष आता है कि जिसमें पेड न्यूज लगती है तो उस पर कमिटी के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। हमने यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर कंट्रोल रूम में एक्टिवेट किया हुआ है, जो हंटिंग लाइन्स के साथ एक्टिवेटेड है। वो टोल फ्री नंबर है 1800180819। जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कदम ने कहा कि इस बार चुनावों के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में 10 महिला बूथ चिन्हित किए गए हैं, जहां पर पूरा स्टाफ भी महिलाओं का ही ड्यूटी पर तैनात रहेगा। हिमाचल में हमारे विधानसभा के जो चुनाव है वो घोषित हो चुके हैं, और इसमें 9 नवम्बर को पूरे प्रदेश में और पूरे जिले में इसकी वोटिंग होगी, और 18 दिसंबर को काउंटिंग होगी। इसके लिए जिला चुनाव कार्यालय की तरफ से सारी तैयारियां समयबद्ध तरीके से की जा रही है। जैसे ही चुनाव घोषित हुए उसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, और इसके जो अलग अलग प्रावधान हैं वो सारे लागू किए जा चुके हैं। और इनको लागू करने के लिए हमारी स्टैटिक सर्विलांस टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स, वीडियो व्यूविंग टीम, अकाउंटिंग टीम्स, एमसीएमसी टीम, इस तरीके की जो अलग अलग टीमें हैं वो सारी एक्टिवेट हो चुकी है और वो अपना कार्य नियमानुसार अलग अलग जगहों पर कर रही है। इस बार हम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 जगह पर महिलाओं के माध्यम से सारा चुनाव किया जाएगा, और इस तरीके से टोटल 10 विमेन पोलिंग स्टेशन हमने चिन्हित किए हैं। संदीप कदम ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार किसी भी त्योहार पर तोहफा देने वालों पर भी पूरी नजर रखी जाएगी, ताकि आचार चुनाव संहिता का उल्लंघन ना हो सके। जैसे कि चुनाव आयोग के निर्देश है, किसी भी त्योहार या किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से जो तोहफा देने का प्रयास किया जाता है उस पे भी जिला चुनाव कार्यालय की अपने जो तंत्र है उसके माध्यम से पूरी नजर रखी जाएगी।